नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई ओमान मस्कत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, टिकट से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने क्या नियम निकाले उनसे रिलेटेड। वीडियो पूरा देखिएगा, मात्र 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बता दें भाई, कोरोना अपडेट की बात करें तो 3,000 से प्लस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से लगभग 17 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है और उनमें से 1,068 के करीब रिकवर कर लिए गए हैं। और पता ही साथियों, लॉकडाउन बढ़ा के 29 मई तक कर दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आपको पता है साथियों, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो फिर लॉकडाउन ही एक तरीके का एक ऑप्शन बचता है इस महामारी से बचने का, बाकी कोई इलाज है नहीं। लॉकडाउन इसी वजह से गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ा रहा है। बैड न्यूज़ साथियों ये है कि ये जितने भी पॉजिटिव हैं इनमें से लगभग 112 वर्कर हैं जो कारीगर वाले हैं, जो इंडिया के एशिया कंट्री के हैं। 3-4 जो मरे हैं वो भी एशिया कंट्रियों के हैं, जिसमें एक इंडिया का बंदा बताया जा रहा है, पाकिस्तान नेपाल कहीं का भी हो सकते हैं। बाकी स्थिति वर्करों में ज़्यादा है जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पा रहे हैं काम करने की वजह से, इस वजह से उनमें ये लक्षण ज़्यादा पा रहे हैं, तो इस वजह से उनकी ही मौत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कंपनियों को साफ आदेश दे दिया कि भाई अपने वर्करों को आप कोरोना की जांच करवाएं, अगर आप जांच नहीं करवाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो वर्करों से काम करवाते हैं तो वो उनको फिजिकल डिस्टेंस दूरी रखे, या फिर उनकी पूरी सेफ्टी रखे, या फिर उनका टाइम पे जांच करवाएं। अगर एक मरीज हो जाता है तो कितने को खराब कर देता है, आपको भी पता है और उनको भी पता है। तो गवर्नमेंट ने साफ आदेश कंपनियों को दे दिया, अगर जांच नहीं करवाओगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त तरीके से की जाएगी। साथियों, ओमान की गवर्नमेंट ने व्यवस्था की थी कि भाई 450 बंदों को हम आने वाली 13 मई तक इंडिया रिकवर करेंगे। 450 में से 2 फ्लाइटों का शेड्यूल बनाया गया है, एक फ्लाइट इंडिया पहुंच चुकी है, उनमें लगभग 180 टोटल पैसेंजर आए हैं उस फ्लाइट में, जिसमें 77 मेडिकल पैसेंजर बताए जा रहे हैं, उनमें से 48 गर्भवती महिलाएँ हैं। बाकी विजिटर और वर्कर 30+32 ये विजिटर और वर्कर हैं जो इंडिया आ गए। आज रात सैटरडे की रात 9 बजे इंडिया कोची पहुंच चुके हैं। सेकंड फ्लाइट साथियों ओमान से 12 मई को इंडिया पहुंचेगी, उसमें भी लगभग 200 बंदों के करीब, यानी जो 450 का टारगेट है ये कंप्लीट कर लेगी गवर्नमेंट। बाकी की आगे प्रोसेस 15 मई से स्टार्ट होगा दोबारा से। आपको बता दूं भाई, जो इंडिया आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन का टाइम 14 दिन से घटा के 10 दिन का कर दिया, क्योंकि इंडिया में बूम आ रहा है। ये मान लीजिए कोरोना चरम सीमा पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लगभग 60,000 से प्लस पॉजिटिव पाए गए हैं, 2,100 के करीब डेथ हो गई है। तो मामला गंभीर देखते हुए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई जिनको 3 दिन तक क्वारंटाइन करने के बाद बुखार नहीं आता उनको हम 10 दिन में छुट्टी दे देंगे। तो अभी जो ओमान से आ रहे हैं उनके लिए ठीक है, 10 दिन में वो अपने घर पहुँच सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहे तो होटल में रुक सकते हो, चाहे तो रेंट के रूम में लेके रुक सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन दिया गया है जो भी ओमान से आएंगे उनके लिए, या फिर सबके लिए की बात कर रहा हूँ मैं। आगे हम बात कर लेते हैं भाई टिकट से रिलेटेड। देखिए, टिकट से आपको पता होगा ओमान से एक जो फ्लाइट आई है उसकी मात्र 71 ओमानी रियाल पे लगा है, यानी ये मान लीजिए इंडिया का मैक्सिमम 14,000 रुपये में एक वहाँ का बंदा इंडिया पहुँच गया है। तो 14,000 रुपये आपको पता है साथियों ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। यही अगर प्राइवेट हाथ में होता, प्राइवेट सेक्टर में सिस्टम चला जाता तो ये टिकट कम से कम 3 से 4 गुना महंगी होती 100%। इसका सिंपल रीज़न है, इधर से 200 जाने थे उधर से 200 आने थे, 400 की कैपेसिटी में मात्र 180 बंदों के करीब, 183 बंदों के करीब आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत कम पैसे लिए हैं, 14,000 में आप इंडिया पहुंच रहे हो, बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाकी अपडेट साथियों यही है, आगे नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई अपडेट आती है ओमान से रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।